मैं डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद लोक स्मार्ट चैनल से ताजा ब्रेकिंग न्यूज के साथ। आइए देखिए ब्रेकिंग न्यूज। अब नए मदरसों को मान्यता दे सकेगा मदरसा बोर्ड, बंद मदरसों की मान्यता होगी खत्म। बोर्ड ने वर्ष 2016 के बाद से प्रदेश में नए मदरसों को मान्यता नहीं दी है। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने बताया कि करीब 2500 मदरसे ऐसे हैं जिनकी मान्यता से कट, जिनकी मान्यता से बोर्ड से है लेकिन वो पोर्टल पर नहीं है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अब नए मदरसों को मान्यता दे सकेगी। मंगलवार को मदरसा बोर्ड की बैठक में नई मान्यता देने पर सहमति बनी है। ऐसे में शासन स्तर से कराए गए सर्वे में मिले बिना मान्यता वाले 8449 मदरसों को मान्यता मिलना आसान हो गया है। वहीं बंद मदरसों की मान्यता नियमानुसार खत्म करने पर भी बैठक में सहमति बनी। बोर्ड ने वर्ष 2016 के बाद से प्रदेश में नए मदरसों को मान्यता नहीं दी है। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने बताया कि करीब 2500 मदरसे ऐसे हैं जिनकी मान्यता से बोर्ड से है लेकिन वो पोर्टल पर नहीं है। वहीं बोर्ड से अस्थाई मान्यता प्राप्त सैकड़ों मदरसे भी हैं। अगर वे मानक पूरे कर रहे हैं उनकी मान्यता का नवीनीकरण व स्थाई मान्यता दी जाएगी। कामिल फाजिल की यूजीसी से मान्यता न होने पर उठे सवाल। मदरसों में बीएड, एमएड और पीएचडी की पढ़ाई के संबंध में बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव आने पर सदस्यों ने कामिल व फाजिल की यूजीसी से मान्यता न होने पर सवाल उठाए। बोर्ड ने चेयरमैन ने बताया कि बैठक में ये तय हुआ है कि पहले कामिल व फाजिल को मान्यता दिलवाई जाए, उसके बाद ही बीएड और एमएड की पढ़ाई शुरू करने पर विचार हो। संत कबीर नगर के एक अनुदानित मदरसे की मान्यता निलंबित। डॉक्टर इफ्तिखार ने बताया कि संत कबीर नगर के मेहदावल स्थित राज्यानुदानित मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत फैजुल इस्लाम में अनियमितता मिलने पर उसकी मान्यता निलंबित कर दी गई है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारियों ने करीब 240 मदरसों के बंद होने की सूची भेजी है। इन मदरसों को नोटिस भेजा जाएगा, इसके बाद 3 साल के लिए निलंबित किया जाएगा। बोर्ड के चेयरमैन और सदस्यों के बीच हुई बहस, नए मदरसों को मान्यता देने के फैसले पर बोर्ड के सदस्य कमर अली, तनवीर अहमद रिजवी, असद अहमद और डॉक्टर इमरान अहमद बिफर गए। बोर्ड के चेयरमैन और सदस्यों के बीच बहस शुरू हो गई। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक जे रीभा ने सदस्यों को शांत कराया।